हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल वनीरस और मैं आपको आने आई हूँ के क्वेश्चंस तो फिर इसके इसमें थर्टी क्वेश्चंस होंगे वो नाइन्टी वाली जो सीरीज़ है वो इसी से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं ठीक है हज तक डे सिक्स है हज तक डे सिक्स है ठीक है ये तो आपको याद रखना है अब मैं क्वेश्चन अस कराऊंगी मैं आपको बता दूँ पैसे प्लानिंग जो भी प्लानिंग है मेरी कि मैं क्वेश्चन आपको पर डे दिया करूँगी तीस आपके फिजिक्स के हुआ करेंगे तीस आपके केमिस्ट्री के हुआ करेंगे और तीस आपके बायो के हुआ करेंगे मतलब पर डे थर्टी एक दिन फिर थर्टी नेक्स्ट दिन फिर थर्टी नेक्स्ट दिन ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम ठीक है तो पर डे आपकी वीडियो आया करेगी डेली याद रखें ये चीज़ बाकी आप जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हो जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर आप जहाँ से भी थियरी कर रहे हो अपनी थियेरी कर लो आप कोई इशू नहीं है मुझे कहीं से भी कर लो आप बस अच्छी थेरी होनी चाहिए जैसे कि आप क्वेश्चन अगर आप टिक लगाते हो तो क्वेश्चन आपके लग जाए ठीक है so, सो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स गेट स्टार्ट इट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो वॉट इज मेजर्ड इन हार्ट्स तो हार्ट्स को किस में मेजर करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हार्ट्स में क्या मेज़र करते हैं हम ठीक है तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बता दे रही हूँ जैसे आपने पढ़ा होगा टी इक्वल्स टू वन ओपोन एफ होता है ठीक है तो टी क्या है यहाँ पे एफ है ये एफ तो टी क्या है यहाँ पे ये यह टी आपका टाइम है टाइम एम पंजा बिटा और एफ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ठीक है तो फ्रीक्वेंसी को हम गेजरली किस बनाते हैं हम हर्च बनापते हैं तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हर्च होती है हर्च होती है और एच और जेड से इसे डिनोट करते हैं शॉर्ट में याद रखना है आपको ठीक है बाकी अगर आपसे पूछे कि टाइम का जो वो होता है <khus Bright> यूनिट होता है तो वो क्या होता है वो सेकेंड होता है आप ठीक है सेकेंड मिनट हावर यह आपकी टाइम होती है अगर वो फ्रीक्वेंसी के रिफ्रेंस में पूछता है तो आप क्या लगाएंगे अगर टाइम की जो यूनिट है वो फ्रीक्वेंसी के रिफरेंस में पूछ रहा है तो आप बोलोगे कि टाइम इक्वल्स टू पर सेकंड ठीक है सॉरी टाइम इक्वल्स टू पर हार्ड होगा सॉरी अगर फ्रीक्वेंसी के रिफरेंस में पूछ रहा है थी, तो ठीक है तो पर हार्ड होगा ऐसे लिख सकता है आपको लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की ऐसी फ्रीक्वेंसी की पूछता है जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू तो लिख दे वन अपॉन टी ऐसे मतलब टाइम के भी हाफ में पूछे तो आप क्या लिखोगे पर सेकेंड होता है ठीक है फ्रीक्वेंसी की यूनिट ये आपको याद रखनी है ये बहुत ही मेजर चीज़ें हैं और बहुत ही क्या है बहुत ही बहुत ही चुल्लू उल्लू सी चीज़ें हैं तो आपको याद रखनी है ठीक है तो इसका जो आ, हो जाएगा जो क्या है हर्ज की जो हज जिसकी यूनिट होती है वो तो हो होती है किसकी फ्रीक्वेंसी की ठीक है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज मतलब हर्ज फ्रीक्वेंसी को हर्ज में हम नापते है। हैं फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे साउंड फास्ट बट इन तो ये क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन तो आपको याद रखना है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू का बोल सकते हो आप तो मैं पी वाई की डाल दे रही हूँ ठीक है पी वाई की यूज़ ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट होते हैं तो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस्टील में सबसे ज़्यादा साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा ठीक है याद रखना है आपको वैक्यूम में नहीं करता इतना फिर साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन तो जो साउंड वेव होती हैं वो किस में ट्रैवल नहीं करती हैं वो वैक्यूम में आपको बताए वैक्यूम में आपकी साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती हैं थियटिकल क्वेश्चन आते हैं आपके नुमरिकल वेस्ट दो चार क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो रिश्व रहा है वो आ रहा है पाँच छः क्वेश्चन आपके न्युमेरिकल वेस्ट आए थे ठीक है तो उन्हें भी आपको तैयार रखना लेकिन थिएटिकल ज़्यादा आते हैं तो इसलिए हम सुबह मान के चलेंगे कि थियटिकली आएंगे तो इसलिए हम थियरटिकल की तैयारी करवा रहे हैं और साथ साथ में आपकी जो नमेरिकल पोर्सन है वो भी मैं आपको करा दूंगी चिंता मत करो आप ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूज करते हैं तो स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में ये पूछ रहे हैं आपसे बेसिकली तो वो था आपका बी ऑप्शन सोनोमीटर ठीक है याद रखना है आपको क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन जो पिच होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है वो आपको बतानी है तो वो आपकी डिपेंड करती है किस पे इस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर आपका पिच डिपेंड करता है ठीक है फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टी वी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टी वी सेट तो आपकी जो से कौन सी वेव है जो टी वी रिमोट जो टी वी रिमोट होता है उसमें कंट्रोल करती है टी वी को तो वो आपकी होती है रेडियो वेव्स ठीक है रेडियो वेव्स आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रेडियो वेव्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज़ यूज बाई कम्प्यूट कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो आपका सीरी स्कैन होता है उसमें एम्प्लॉयड फॉर विजुलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो आपने देखा होगा जब आपने कौन सा चैप्टर पाया होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ तो उसमें आपके आपको बताया गया है मैं बायो में जा रही हूँ ठीक है तो उसमें आपको एम आर आई बताया गया है सी टी स्कैन बताया गया है और आपका जो एक्सरे है वो बताया गया है तो उसमें से आपकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है तो एम की फुल फॉर्म क्या होती है मैग्नेटिक रिसोर्सेज रेजोनेंस इमेजनिंग ठीक है और फिर उसके बाद में जब आपका सी होता है उसका होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी सी स्कैन को बोलते हैं जैसे एम कराते हैं सी स्कैन कराते हैं तो उसके लिए तो फूड जो फुल बॉडी इंटर चेकअप होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए मुझे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए एक्स रेज उसमें इस्तेमाल करते हैं हम ठीक है और जो आपका एम होता है उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस करते हैं मतलब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं बॉडी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ वायलेट रेज इनमें से कौन से टाइप का ग्लास है जो कट कर सकता है वायलेट रेज को तो वो कौन सा है वो आपका है क्रूक्स ग्लास ठीक है याद रखना है एस इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहे हैं आपसे जो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है आर द साउंडस विच है फ्रिक्वेंसी जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं उनमें कौन से टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है वो बताना है आपको तो वो होती है आपका हायर देन ट्वेंटी किलो हर्ट से ज़्यादा होती है उनकी अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसीज तो देखिए फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे वॉट इज़ द द्रीकवेंसी ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज़ पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड इनमें से कौन सी वेव है जिसका टाइम पीरियड कितना होगा वट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव तो टाइम पीरियड कितना होगा उसका पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड होगा तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ठीक है ट्वेंटी हर्ट सही हो जाएगा देखिए देखिए सॉल्व ऐसे करना है सॉल्व ऐसे ही आपको जैसे का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जैसे लास्ट का क्वेश्चन था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मू लगाना था और उसमें काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी थी ठीक है तो ऐसे ही आपको वैल्यूज़ दे देंगे और बाकी आपको कुछ पूछ लेंगे उनमें से तो आपको इतना याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में के आई क्या होता है उसमें क्या दे रखा है मास दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है तो उसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए और अगर मास पूछ ले तो मास निकालना चाहिए आपको आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी से वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम आपको निकालना आना चाहिए किस से आपकी करेंट एनर्जी से वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी भी निकालना आना चाहिए आपको ऐसे आपको याद रखना है तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे देखो दे क्या रखा है वो सबसे पहले देखो तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है सेकंड में दे रखा है मतलब सेकंड में दे रखा है क्या दे रखा है टी दे रखा है आपको पॉइंट ठीक है टी आपको दे रखा है फिर आपसे पूछा क्या उसने वॉट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ बेब और फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो तो हर्ज होती है तो हर्ज में ही आपके आंसर हैं सारी तो फ्रीकवेंसी आपसे पूछ रखा है इतना आप दे रखा इतना आप लिख लिया करें जैसे गिवन में क्या रखा है और पूछा गया है आपसे तो गिवन में आपको टाइम दे रखा है फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो कि टी इक्वल्स टू वन ओ एफ होता है इसे आप उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर एफ़ आपको निकालनी है यहाँ से मतलब फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है तो वन ओ टाइम अपनी रुक कर लेंगे अब यहाँ पर पुट करनी है वैल्यू आपको तो वन अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है पॉइंट आई होप आप लोगों को ये आता हो तो यहाँ से दो जब हम हटाते हैं पॉइंट्स को तो ऊपर दो बिंदी चली जाएंगी क्यों क्योंकि एक ये पाँच है और एक जीरो है तो ये दो बिंदी ऊपर चली जाएंगी जब हम पाँच को काटेंगे हंड्रेड को काटेंगे पाँच से तो फाइव टू से कितना होता है टेन होता है और एक जीरो और बचा है ना तो आपका ट्वेंटी हर्च आ जाएगा तो मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया कि ट्वेंटी हर्च आपका आंसर सही है ठीक है अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जैसे देखिए यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे कि आपको पाँच हर्ट आपको दे रखा है क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको और आपसे टाइम पूछ ले मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है तो आपको वही सेम फॉर्मूला लगाना है तो टी इक्वल्स टू आपका अपॉन एफ़ होता है जाएंगे जाएँगे अपॉन एफ़ की वैल्यू कितनी है पाँच है आपकी और यहाँ पे आपको फिर कटपिट करना है तो कटपिट कैसे करना है जैसे आपको देखा होगा कि अगर हम पाँच अपॉन फाइव में अगर हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले पॉइंट रखेंगे पॉइंट एक रख लिया यहाँ पे एक जीरो आ गया ठीक है जब पॉइंट रख लिया हमने और जीरो आ गया तो यहाँ पे पाँच से दो बार ये कट जाएगा तो पॉइंट टू सेकेंड आपका समय आ जाएगा अगर आपको ऐसे नहीं करना आता है तो आप ऐसे कर सकते हो देखो छोटे आप छोटे बच्चे तो नहीं हो अभी बहुत बड़े बच्चे हो चुके हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमें पाँच का भाग एक में देना है ठीक है एक में जब हम देते हैं तो क्या करते हैं एक में तो जाएगा नहीं तो हम यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे फिर ये पाँच दूनी यहाँ पे दो रखेंगे और यहाँ पे दस रखेंगे पूरा कट जाएगा कुछ भी नहीं बच रहा तो आपका जीरो पॉइंट टू सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा आई होप आप लोग समझ गए होगी ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो हर चीज़ देगा आपको मतलब फ्रिक्वेंसी आपको दे देगा और आपसे टाइम पूछ लेगा तो तैयार रहें आप उस चीज़ के लिए और यूनिट सभी की याद रखनी है ठीक है लेंथ क्वेश्चन देखिए बेव अंडर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री वन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स दैट चेंज इज़ तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक बेव है जो अंडर वो करती है कि इसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिट बॉडी के लिए रिजिट बाउंड्री के लिए और वन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पैरामीटर आपको बताना है जो चेंज होता है वो बताना है आपको तो जिसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इसका बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा मतलब फेज है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपका अ साउंड बेव हैविंग वेब लेंथ लेडा है एक साउंड वेव है उसकी वेब लेंथ कितनी है लेमडा है फ्रम स्टेशनरी वेव से आफ्टर रिफ्लैक्शन फ्राम अ सरफेस द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकटिव नोट्स इज़ क्या होगा तो आपसे बोला है कि अगर एक वेव है जिसका जो वेव लेंथ है वो क्या है लेमडा है और वो एक रिफ्लेक्शन फ्राम अ सरफेस पे है ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोट्स से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी वो आपको बतानी है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा मतलब लेमडा बाई टू तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी लेमडा बाई ये एक्जैक्टली बेटा ऐसा लिखा था लेमडा बाई टू क्योंकि ये सिंबल मुझे मिल नहीं रहा था ये वाला सिंबल तो मैंने इसलिए लेमडा बाई टू रख दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द क्वालिटी ऑफ आ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स अपॉन जो क्वालिटी होती है म्यूजिकल नोट की वो किस पर डिपेंड करती है तो वो डिपेंड करती है आपकी हारमोनिक कंटेंट पर इट्स हारमोनिक कॉन्टेंट पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वेव ऑफ एक्सरेज इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो बेव होती है एक्सरेज की वो किसके ऑर्डर में होती हैं वो आपको बतानी है तो वेव होती हैं जो एक्सरेज की वो वन एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती हैं ठीक है थीके? जैसे अगर आप वन एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि वन एंगस्ट्रॉम ठीक है ऐसे भी आपको आंसर आ सकता है लिख के ऑप्शन में तो आपको एंगस्ट्रॉम लगाना एंगस्ट्रॉम का सिम्बल तो सभी को पता है ना मिलीमीटर का सिम्गल सभी को पता है मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है टेंडू दिपाओ माइनस थ्री और सेंटीमीटर होता है एक सेंटीमीटर इज गल टू तो दाइनस टू और माइक्रोमीटर होता है टेन टू तो दावर माइनस का सिक्स ये माइक्रोमीटर होता है और ये बर्निंग स्ट्रॉन्ग होता है वन टन तो टू टेन तो टू द पावर माइनस का टेन ये बर्निंग स्ट्रॉन्ग के बराबर होता है तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टीन बोल रहे हैं कि सम कॉमन मीडियम्स हैं इन विच स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड आर मैंसनड ब्लू ठीक है तो कुछ आपको मीडियम्स दे रखे हैं जैसे एयर है स्टील है कॉपर है वाटर है उनमें से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है स्पीड ऑफ साउंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है वो भी करेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड का ठीक है तो इसका जो करेक्ट वो हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए मुझे इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले आपका आएगा पहला ठीक है मतलब सबसे कम आपका पहले वाले का वो एयर का फिर आपका आएगा फोर्थ फिर आपका आएगा थर्ड फिर आपका आएगा टू मतलब सबसे ज़्यादा जो होगी स्पीड ऑफ साउंड वो किस में जाएगी स्टील में जाएगी तो स्टील की सबसे ज़्यादा फिर आपका कॉपर में जाएगा फिर आपका किस में जाएगा वाटर में जाएगा देन आपका एयर में जाएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट हाउ डज आपके लास्ट फिफ्टीन क्वेश्चन रह गए हैं हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पैंडलम वेरी विद लेंथ जो सेकेंड पीरियड जो टाइम पीरियड होता है अपना वो सेकंड पैंडलम में कैसे वेरी करता है लेंथ से तो वो बताना है आपको तो वो वेरी करता है बेटा आपका आ, टी डज नॉट डिपेंड ऑन एल इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा तो टी डिपेंड नहीं करता length है लेंथ पे ठीक है ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवनटीन बोल रहे हैं आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन तो ये आपकी जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है ना हाँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है उसी में ये आपके सारे दे रखे हैं फिजिक्स के फिजिक्स के चैप्टर में तो ट्वेल्थ के गें ट्वेल्थ के सिलेबस में हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस चैप्टर में सारी आपकी दे रखी हैं वेव्स रेडिएशन ठीक है Baves, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका इन्फ्रा रेडेड रेज सबसे ज़्यादा होंगी एक मिनट इन्फ्रा रेड रेज होंगी फिर आपकी ग्रीन रेज होंगी फिर उसके बाद में आपकी यू वी रेज उसके बाद में फिर आपका हार्ड एक्स रेज तो ये आपकी इंक्रीजिंग करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा ठीक है कर्ट सिक्वेंस पूछा है आपका बेब लेंथ और रेडिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि いい जो इको है इको बोलेंगे द ईको विल बी हियर इफ द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड बाई एन ऑप्स्टिकल इज ऑप्स्टिकल का मतलब क्या होता है ऑप्स्टिकल का मतलब होता है कि जो आपके बीच में आते हैं साउंड जो बाधा डालते हैं उनको बोलते हैं तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा पॉइंट वन सेकेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा देखो किसी भी क्वेश्चन में जो पूछला वाला मैंने क्वेश्चन बताया था आपको टाइम और फ्रिक्वेंसी के बीच में जो निकालना था मेमेरिकल उसमें वैल्यूज वो चेंज कर सकता है ठीक है लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे बस आपको वही फॉर्मूला लगाना होगा बस आपको लगाना आना चाहिए फॉर्मूला और आपको निकालना आना चाहिए क्वेश्चन ठीक है तो वैल्यूज चेंज कर सकता है बस बाकी फार्मूले कभी चेंज नहीं हो सकते हैं फॉर्मूले वही रहते हैं जो आपके सिलेबस में हैं और आपको नॉर्मल से फार्मूलेस देंगे फार्मूलेज के वहाब पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको तो आपको ना याद रखना है बस कि फार्मूला क्या था और पुट कैसे किया था मैम ने या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसने और उसके बाद में कैसे क्वेश्चन निकाले थे बस आपको थोड़ा सा जो कैलकुलेट पोर्शन होता है उसको मजबूत करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे तो होता है ईको पे याद रखना है आपको ठीक है सन हैजे तो आपका बता है आपको कौन सा रेडिएशन है जो इमेट करता है फ्रॉम द सन से हाइएस्ट वेव लेंथ पे तो वो होता है आपका माइक्रोवेव ओके okay? याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं विच आर द रिलेवेंट वेव इन टेली कम्युनिकेशन में कौन से वेव्स यूज करते हैं हम तो वो होती हैं आपकी माइक्रोवेव्स इसमें भी यूज़ की जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोल रहे हैं आपसे द एक्स रे एक्स रेज विल बी मैक्सिमम फॉर द सीड्स ऑफ तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर इनमें से कौन सी वेव है रे है जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक नहीं होती है तो वो है आपकी कैथोड रेज आपको पता है कैथोड रेज आपकी इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स या नेचर नहीं रखती हैं सिर्फ ये तीनों हैं जो आपकी रेज हैं वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव रख रही हैं या इलेक्ट्रो मैगनेटिक इन नेचर होती हैं आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लास्ट के जो कुछ दो तीन पेज हैं दो हाँ दो या ढाई पेज होगा उसमें आपके रेज दे रखी है तो उसमें आपने कभी भी आपने नहीं देखा होगा कैथोड रेज के बारे में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन दवन अवन में हम क्या यूज़ करते हैं वो आपको बताना है तो हम वो यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी फाइव बोल रहे हैं आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी इनमें से कौन सी वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो वो है आपकी कॉस्मिक रेज होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी सिक्स बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव है जो लॉन्गेस्ट अपनी क्या रखती है वेवलेंथ रखती है तो इन्फ्राड रेज है आई आर वी बोलते हैं उनको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे बोल रहे हैं एक्स रेज बर्ड डिस्कवर्ड बाई तो एक्स रेज किसने डिस्कवर की थी तो वो आपको याद रखनी है तो वो हैं आपके रॉन्ट चेन याद रखना है ठीक है याद रखना है याद रखना है याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है पिछली बार ये बैक पे क्वेश्चन पूछा गया है ठीक सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर ट्वेंटी थ्री में फिर बोल रहे हैं आ, जो रेदर वीम होता है कंसिस्ट ऑफ तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है माइक्रोवेव्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इश्यू ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स रेज टू दैट ऑफ गामा रेज तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इज वन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्ट्रा uh, वायोलेट जो लाइट होती है ऑफ सन की रेडिएशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ अल्ट्रास्फेयर रीचिंग द अर्थ एटमोस्फेयर बाय द लेयर ऑफ इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आप मुझे बताएंगे या मैं ही बताऊं ये तो आप बता सकते हो ना जो हमारी अल्ट्राइलेट लाइट होती है सन से जो रे सड़का जो रेडिएशन है तो अर्थ को कौन सी वो है लेयर है जो अर्थ को प्रिवेंट कर रही है या फिर बचा रही है तो वो ये आपको आंसर करना है ये इसका आंसर मैं नहीं दूंगी ठीक है तो आपको केमिस्ट्री का नेक्स्ट डे कल आएगा आपका लेक्चर मतलब थर्टी क्वेश्चन कल कराऊंगी फिर आपकी बायो के नेक्स्ट दिन होंगी तो ऐसे हम डेली देल डेली करेंगे जैसे कि आपका भी थोड़ा रिदम बना रहेगा और आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लोगे अच्छे से ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर लव यू ऑल कोई भी कार्य हो तो मुझे बताना